नमस्कार, मैं हूं दिवांजलि मोइत्रा। चीन का अखबार ग्लोबल टाइम्स सरकारी एजेंडा चलाता है, ये तो पूरी दुनिया जानती है। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से वो लगातार भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है, उसने एक बार फिर साबित कर दिया कि ग्लोबल टाइम्स असल में जिनपिंग सरकार का रट्टू तोता है और सरकार के इशारे पर ही चलता है। ये बात अब दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका भी समझ चुका है, इसीलिए उसने चीन को जबरदस्त झटका देते हुए ग्लोबल टाइम्स समेत सीसीटीवी, चाइना न्यूज सर्विस और पीपल्स डेली को विदेशी राजनयिक मिशन की कैटेगरी में डाल दिया। यानी अमेरिका मानता है कि ये चारों मीडिया संस्थान राजनयिक नियंत्रण में। अमेरिका के विदेश विभाग के पूर्वी एशिया और प्रशांत महासागर क्षेत्र के सहायक मंत्री डेविड स्टिलवेल ने सोमवार को कहा कि इन चारों चीनी मीडिया संगठनों को अमेरिका में अपने कर्मचारियों और परिसंपत्तियों के बारे में विदेश विभाग को बताना होगा। ये चारों ही संस्थाएं स्वतंत्र मीडिया संस्थान नहीं है, ये संस्थान प्रभावी तरीके से चीन के कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से नियंत्रित किए जाते हैं। इन्हें प्रोपेगेंडा संगठन के रूप में भी जाना जाता है। डेविड स्टिलवेल ने कहा, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी जहां हमेशा से ही चीन की आधिकारिक न्यूज एजेंसी को नियंत्रित करती है, लेकिन शी जिनपिंग के राष्ट्रपति बनने के बाद पिछले कुछ सालों में ये नियंत्रण और ज्यादा बढ़ गया। ऐसा दूसरी बार है जब अमेरिका ने चीन के मीडिया संस्थानों को विदेशी संगठन का दर्जा दिया, साथ ही चीनी संगठनों से उनके कर्मचारियों और संपत्तियों का विवरण मांगा। इससे पहले अमेरिका ने चीन के 5 मीडिया संस्थानों को विदेशी मिशन का दर्जा दे दिया था। यही नहीं, अमेरिका में काम कर रहे चीनी पत्रकारों की संख्या भी सीमित कर दी, जिसके बाद भड़के चीन ने अमेरिका के कई पत्रकारों को देश छोड़कर जाने के लिए कह दिया था।